आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का मेरठ और मुजफ्फरनगर का दौरा है। मेरठ सर्किट हाउस में सुबह 9 बजे करेंगे प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष के बड़े नेता होंगे बीजेपी में शामिल। तो प्रेस वार्ता के बाद खतौली जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। खतौली में सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। सुबह 11:30 बजे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। 12 बजे खतौली के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे और करीब दोपहर 3 बजे के करीब खतौली में किसान संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम मुजफ्फरनगर का भूपेंद्र चौधरी का रहने वाला है। तो देखिए, खतौली उपचुनाव है और इस उपचुनाव को लेकर लगातार हर बड़े चेहरे खतौली में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता से सीधा संवाद करने का प्रयास और बूथ स्तर पर किस तरह से मजबूती लाई जाए इसका प्रयास किया जा रहा है। और तमाम कार्यक्रमों में भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे और हिस्सा लेंगे। तो आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का मेरठ और मुजफ्फरनगर दौरा है। मेरठ सर्किट हाउस में सुबह 9 बजे प्रेस वार्ता करेंगे और माना जा रहा है कि मेरठ में प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष के बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे और इसके बाद वो मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर खतौली में कई सारे कार्यक्रम हैं जिनमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो खतौली में सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम सबसे पहले सुनेंगे और उसके बाद 11:30 बजे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से अतुल शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ पहुंच रहे हैं और इस दौरान क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, चूंकि प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये प्रेस वार्ता मानी जा रही है। देखिए, भाजपा लगातार उत्तर प्रदेश की चुनावों की बात की जाए, फिर केंद्र सरकार की चुनावों की बात की जाए, लगातार प्रयास करती रहती है और उसी के बाद आज विपक्ष के एक बड़े नेता को भाजपा में ज्वाइनिंग कराएंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। साथ ही सुबह 9:30 बजे के करीब मेरठ के सर्किट हाउस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता है उनको ज्वाइनिंग दिलवाएंगे और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो उपचुनाव है खतौली के अंदर जाकर के डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही जो बूथ सम्मेलन है उसको भी संबोधित करेंगे। लगातार देखा जाए तो वेस्टर्न के अंदर अगर बात की जाए तो खतौली विधानसभा की बात की जाए, रामपुर की जाए या फिर मैनपुरी उपचुनाव की बात की जाए, तो सभी जगह भाजपा का बड़े से बड़े दिग्गज हर पूरी वो ताकत लगा रहे हैं, तो साम धाम दंड भेद हर चीज का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते जो चुनाव है, क्योंकि 24 चुनाव नजदीक है और वेस्टर्न में खतौली सीट की बात की जाए तो जाटों की बेल्ट कही जाती है और जाटों की बेल्ट में भूपेंद्र चौधरी, मोहित बेनीवाल और लगातार देखा जाए तो बड़े से बड़े दिग्गज नेता मेरठ और ये मुजफ्फरनगर के खतौली में सीट को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा ने अच्छी जीत हासिल की थी 2022 चुनाव में, लेकिन उपचुनाव में जिस तरह से प्रयास चल रहा है मदन भैया के सामने, जो राजकुमारी सैनी है वो उनके लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं भाजपा के दिग्गज नेता। 30 तारीख को मेरठ दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 2 तारीख को मुजफ्फरनगर दौरे पर। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा का हर दिग्गज सीट को जिताने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। आज मेरठ में प्रेस वार्ता कर जो ज्वाइनिंग है विपक्ष के बड़े नेता की, उसके प्रेस के सामने उनको लाएंगे और ज्वाइनिंग कराएंगे। बिल्कुल अतुल, इसके साथ ही साथ खतौली से हमारे संवाददाता सचिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, आज चूंकि प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे हैं खतौली और देखिए उपचुनाव को लेकर लगातार हर बड़ा चेहरा इस वक्त खतौली में मौजूद रह रहा है और चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे, कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेने वाले हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष आज खतौली विधानसभा में आएंगे और जितने भी अब तक की तैयारियां हैं उनका जायजा लेंगे, शक्ति बूथ हैं उन पर जाएंगे, डोर टू डोर प्रचार भी करेंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी होनी है। तो जितनी भी अब तक तैयारी हुई है पूरी उसका जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर अगर बात करें तो लगातार दिग्गजों का यहाँ पर आवागमन लगा रहता है। दोनों उप मुख्यमंत्री इस सीट पर आ चुके हैं, मुख्यमंत्री का भी 2 तारीख का आना है, तो लगातार खतौली विधानसभा सीट पर लगातार दिग्गजों का आना जारी है और जितने भी मोर्चे होते हैं, चाहे वो अनुसूचित मोर्चा हो, पिछड़ा वर्ग हो, सभी तरह के सम्मेलन किए जा रहे हैं। आज किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल सचिन, और किस तरह से पूरी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा उपचुनाव भी रहने वाला है और इसी को देखते हुए ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, किस तरह से तैयारियां सचिन प्रदेश अध्यक्ष के आने पर की गई है?
देखिए शक्ति बूथ टोलियां बनाई गई हैं, उन्हीं का जायजा लेंगे, गांव गांव में जाकर देखेंगे कि किस तरह की तैयारी है, कहां नाराजगी है, कहां पर मजबूती है, तो उसी तरह की पूरी जाकर जायजा लेंगे और उसको लेकर सभी जो भाजपा के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो अलर्ट हैं और पूरे तरह से तैयार हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए भी तैयार हैं, तो उसी को लेकर आज जायजा लेंगे और ये निरीक्षण करेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं। ठीक है सचिन और अतुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।